दोस्तों तो मैं शूट कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल मेकअप लुक जो शायद आपने ऑलरेडी देख ली होगी, और यहाँ पे दो इंसान आ चुके हैं मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने के लिए, पति एंड उनका बच्चा। पति एंड सन, लीव मी अलोन। पति मैं तो उन क्या हैगा कि रेडियो जो इधर आओ कैमरे च आओ जरा और मेरे मेकअप लिए रिव्यूज दो, ऐसे आके थले आओ थले आओ, तारीफा करो, बोलो मैनू निहारता लैन दे। लुक मैं चुन्नी भी लैन दा। तू तो आ जे मैं जागो ते चली गई प्यारी, मैं वीडियो बनान दी उना दोस्तां ने जिन्ना ने जागो ते जाना आ। प्यारी तू तो बहुत ही गिर गई आ। गिरा हां इंसान उठ उठते हो ना, थोड़े जे उठते माड़े जे उठते माड़े जे थले, तू ते मेरे स्क्वैट्स लवान लग पई। ओके इधर आओ इधर, अच्छा अच्छा झूठ बोलन तैयार रहने ना तुसी। कमाल लगदी पई हां, तुम बहुत कमाल लग रही हो। मेक श्योर टेल दिस मेकअप का कमाल टू योर सब्सक्राइबर व्हाट मेकअप यू यूज। That's the whole point. That's the whole point why we are here. प्यारी रोटी बनना करा लिया। ओ नहीं चीज़ सिर्फ इदा किदा हुंदा कि तू प्यारी आ, मेकअप ने तैनु प्यारा नहीं बनाया, किदा हुंदा कि तू ही प्यारी आ, इदा किदा हुंदा तू ही प्यारी आ। थैंक्स, मैं बहुत तैयार आ कॉस्को जान ली। कॉस्को जा, कॉस्को चली जा, कोई पैलेस चली जा, ब्याह वेख। कॉस्को जाने इदा दा करना, मैं दे दो दे दो दे दो, लॉकडाउन लगा जागो आई और बाहर जाके मेरी हड्डियां भी जम जानियां। चलो जाओ तुसी गाइस, तुसी गुड फॉर नथिंग लगदे मैनू कई बार दोनों यानी। वाह थोड़ा इधर आओ। ओए तू चल जा इत्थे, मम्मी आई पुची मम्मी यू पुची मम्मी। मैं ना फोटोज खींच ला, वीडियो कंप्लीट कर ला, देन आई नीड टू क्लिक इंस्टाग्राम। लेट अस लव, बाहर जाके करो ना लव तुसी। नो तू सारा लव इत्थे आ ले आज। ऑलरेडी फाइनली ये दो लोग नीचे जाने जान ले आया रूम जो बाहर है, तो फिर मैं अपनी मेकअप की वीडियो कंप्लीट। दोस्तों मैं वापस आ चुकी हूँ थोड़ा देसी कपड़े पहन के, और बालों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे आज के लिए। ऑलरेडी दोस्तों मैं अपने बालों को ब्लो ड्राई करके स्ट्रेट करके नीचे आ चुकी हूँ। अब मैं कुक कर रही हूँ अरबी एंड दाल। दाल मैं आज मिक्स दाल बनाने वाली हूँ, वो वाली दालें भी मैं लेके आई थी लास्ट टाइम जो हम नहीं खाते हैं ज़्यादा, छिलके वाली ज़्यादा नहीं खाते हैं। पर आज मैं सारी दालें मूंगी मोठ मा चना राजमा एंड साबुत मसर तो सारी चीज़ों को मिक्स करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब उसको तड़का लगाएंगे एंड साथ ही अरबी को लगा लेंगे। अरबी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइक फ्राइड किस्म की खट्टी अरबी। इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है अगर आप देखना चाहें तो। हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हैं, हिम्मत का स्कूल फिनिश हो चुका है, जल्दी से कुक करके खाएंगे एंड उसके बाद मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ मेरा यूट्यूब का काम। आज कई सारी चीज़ें मुझे एडिट करनी है, इंस्टाग्राम का कंटेंट भी करना है, सो काफ़ी बिजी होने वाली हूँ मैं। जल्दी से खा के पेट पूजा करके काम करते हैं, ढाई बज चुके हैं ऑलरेडी। सो लेट्स डू दैट। ऑलराइट तो अभी मेरा H&M का पैकेज आया है, मैंने सोचा है कि इसको खोल के देख लिया जाए क्या है इसमें। ओ यार याद आ गया, सो ज़्यादातर मुझे लगता है मेरी चीज़ें नहीं है इसमें, सो नन्नी सी हॉल कर दी जाती है। ओके तो ज़्यादा चीज़ें काली ही हैं। ऑलराइट सबसे पहला एक है टॉप। ऑलराइट तो सबसे पहली चीज़ है ये ड्रेस, आई होप आप देख पा रहे होंगे। सो ये बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस है, इसकी आर्म्स कुछ इस तरह की है और बैक पे भी नेक है, और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसका फैब्रिक अजीब सा है यार, इसका फैब्रिक थोड़ा शाइनी लाइक अनजान वाले सूटों जैसा है। हेलो, डिफेंस किया
नहीं लाइक ओके दैट फ्लफी जी या सॉफ्ट डबल दैट यू और ऑलराइट सो अगला है ये ब्लैक क्या है ये एक्चुअली मैं भूल गई ऑलरेडी यार हस्बैंड ने बहुत परेशान किया है तो ओके सो अगला है ये ड्रेस जो कि ब्लैक है और अच्छी ये पोल का डॉट्स वाली है अच्छी साइज की आर्म्स है गला भी बंद है सियानी गर्ल्स वाली ये ड्रेस है और इसका फैब्रिक भी काफी मजेदार लग रहा है आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस दिस इज लाइक माय काइंड ऑफ ड्रेस पति ज्यादा दिल ही नहीं लग रहा मेरे बिना हेलो हाँ बढ़िया ओके भाई या बढ़िया मैं ना वीडियो बनानी है तो डिस्टर्ब करने बार बार ओके भाई तो यार ये होगी वो ड्रेस तो हमारे पास होगी दो ड्रेसेस अगली चीज भी ब्लैक है ब्लैक मेरा फेवरेट है और अब मुझे पता भी चल गया है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है सो अब हमें और बहाना मिल गया है ब्लैक पहनने का ओके सो ये सिंपल टॉप ही है फुल स्लीव्स वाला एंड वी नेक है इसका और आगे से थोड़ा छोटा एंड पीछे से लंबा है सो यार ब्लैक टॉप मेरे लिए इनफ नहीं होते हैं क्योंकि जितने भी हो मैं हमेशा पहनती रहती हूँ सो आई एम हैप्पी विद दैट सो अगला जो मैं खोलने वाली हूँ वो है ऑफ वाइट अगेन ये मेरा फेवरेट किस्म का कलर है ऑलराइट ये है इस तरह का टॉप जिसकी ऐसे चल रहा है एंड आर्म्स कफ्स हैं आर्म पे एंड वी नेक है एंड बटन्स भी लगा अच्छा अच्छा गुड क्वालिटी का अनजान वाला टॉप है आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं या नहीं और ये कुछ इस तरह का दिखता है ये पिद्दी टॉप है और इस तरह का दिख रहा है इस पर बटन्स हैं पूरियाँ बाँह हैं और अगर कोई हाई वेस्ट चीज़ों के साथ आप पहन सकते हैं या अगर आपको अपना टेट दिखाना अच्छा लगता है तो पहन सकते हैं सो ये है पिद्दी सी कोटी नाइस फ्लफी बेल स्लीव्स जैसी एंड वी नेक एंड बटन्स ऐसे मेरे पास है नहीं यार मेरा बहुत मन था कि मेरे पास कोई ऐसी कोटी हो डेनिम के साथ ब्लू डेनिम के साथ पहनने के लिए सो ये इसलिए ली है मैंने तो ये होगी अगे फिर कुछ काला ऑलराइट ये अच्छा लेस वाला ब्लैक टॉप है कुछ इस तरह का इसकी जो आर्म्स हैं यहाँ से फ्लफी हैं आगे से टाइट है एंड बैक खुली है या प्यारा ब्यूटीफुल टॉप है मैम आई लव लेस टॉप्स सो ये है सो लास्ट बट नॉट लीस्ट है गुलाबी कुछ गुलाबी ओह एक्चुअली ये ड्रेस है काफ़ी ज़्यादा लंबी वाली आई एम बिग फैन ऑफ लंबी ड्रेसेस इसकी आर्म ऐसी है काफ़ी बड़ी एंड गला छोटा एंड पूरी लंबे साइज की है ऑलराइट दोस्तों तो ये है मेरी H&M की पित्ती हॉल सो वैसे और भी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं पर वैसे ऐसे दिखाती जाऊँगी क्योंकि अगर मैं वेट करती हूँ कि सारा कुछ एक ही वीडियो में दिखाया जाए तो फिर मैं भूल जाती हूँ क्योंकि ये कहीं पे रख दूँगी मैं उसके बाद वो रख दूँगी फिर कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा इससे अच्छा है कि जब भी आपके हाथों में कोई चीज़ लगती है तभी दिखा दें सो कितनी चीज़ें ली हैं हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो 9 पीसेस वेरी एक्साइटेड टू वेयर दीज न्यू क्लोथ्स खाना मैंने खा लिया ऑलरेडी अब मैं चाय पीने वाली हूँ और हस्बैंड कॉस्को में है इसलिए वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं वैसे वो मुझे फ़ोन नहीं करते उनका बहुत ऐसे नहीं है कि मुझे मिस कर रहे हैं फ़ोन कर रहे होंगे वो कॉस्को में है उनको ये ले लूँ ये ले लूँ क्योंकि उनको सख्त हिदायत दी गई है कि अपनी मर्जी से चीज़ें मत लिया करो स्पेशली ग्रॉसरी के आइटम क्योंकि वो इतनी फिजूल सी चीज़ें लेके आ जाते हैं कोई स्नैक्स ले आएंगे कोई तरह तरह के भुजिए ले आएंगे लाइक अननेसेसरी ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं मैं करती हूँ वही चीज़ें जो हम खाते हैं या जो खा सकते हैं इसलिए वो बेचारे पूछते रहते हैं दैट्स द अपडेट अबाउट हस्बैंड एंड माय हॉल आई विल गेट बैक टू यू गाइस इन अ लिटिल व्हाइल आफ्टर फिक्सिंग माय हेयर एंड टेकिंग जॉब सो मैंने मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया था रेवलिन के साथ देखिए बाल ऐसे लगते हैं उसके बाद बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि किसी ने किया और बाल इतने स्मूथ एंड स्ट्रेट हो गए वैसे नहीं होते ऐसे होते हैं दोस्तों पर मेरे लिए अच्छा है कि मेरे बाल ऐसे हो जाए उसके बाद मैं वेव करूँ या कुछ भी करूँ मज़ेदार हो जाते हैं सो क्योंकि अदरवाइज मुझे ब्रश भी होल्ड करना पड़ता था और ड्रायर भी इससे मुझे एक ही चीज़ से गुड रिजल्ट मिल जाते हैं सो मुझे अच्छी लगी है पर अगर आप सोचते हैं कि इसी से आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं क्योंकि गाइस कैमरे की बैटरी बंद होने वाली है इससे पहले ही मैं आपको अलविदा कह देती हूँ थोड़ी देर में मिलती हूँ बाय थोड़ी
ਤੇਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਬਿੱਲੋ ਬੱਗੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਬੱਗੇ ਬੱਗੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਬੱਗੇ ਬੱਗੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਗੇ ਬੱਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਹਸਬੰਡ ਮੈਂ ਬੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਬੱਗਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪਿਆਰੀਏ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੱਗਾ ਬੱਗਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਗੇ ਹੈਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੀ ਲੈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਲਾਈਟ ਪਾ ਲਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਗੀ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਿੱਲੋ ਬੱਗੇ ਬੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ अच्छा ऑलराइट दोस्तों तो हस्बैंड घर आ चुके हैं और उन्होंने खाना खा लिया है उनके आते समय ही खाना प्रिपेयर था अब मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ जो मैं आज अपलोड करना चाहती हूँ कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन आंसर पूछे थे हस्बैंड एंड वाइफ को कपल रिलेटेड क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं मैंने कहा कि एक बार पूछ लो तो हम लोग शूट करेंगे आज वैसे मैं वो शूट करना चाहती थी पर नहीं हो पाया क्योंकि पति सारा दिन बिजी थे कल करेंगे हम शूट क्योंकि वो मैं स्पेशल वीडियो बनाना चाहती हूँ उस पर क्योंकि फिर वो अदरवाइज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ऑलराइट दोस्तों तो हस्बैंड को पता नहीं है एक्चुअली पर वो ग्रैटिट्यूड में विश्वास रखते हैं और हम दोनों ने एक्चुअली लास्ट ईयर ग्रैटिट्यूड जर्नल भी शुरू किया था जिसमें मैंने तो काफ़ी कुछ लिखा है कल मैंने हस्बैंड के बेड साइड टेबल में से निकाला वो तो वो खाली था क्यों नहीं लिखा तुसी ओदे च हमारे घर में ये जो गुड डीड है ये अकेली करती है और हमारा भी यही कर देती है वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग आपके घर में से सिर्फ एक बंदा चाहिए हु डज ऑल एंड इन आवर हाउस ही इज द वन सो ओके स्टे अवे फ्रॉम मी ओके दोस्तों तो हम एक्चुअली हम दोनों इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाया करें क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं है सो आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंक्स करें यूनिवर्स का अगर किसी रब बाबे को मानते हैं तो उसका करें लाइक थैंकफुल रहें अगर आप थैंकफुल रहेंगे तो आपको वैसी ही चीज़ें ज़िंदगी में और मिलेंगी अगर आप कंप्लेंट्स करते जाएंगे तो कंप्लेंट्स होंगी ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते रहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बातें करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट की हैं एंड इसी तरह वो काम करता है अगर आप शुक्राना करेंगे तो फिर वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती जाएंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैनू बताना ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਦ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਵਿਖਾਓ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਅਗੇਨ ਅਗੇਨ ਰਿਪੀਟਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਅਟਰੈਕਟ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਫ ਯਾ ਅਗਰ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦ ਨਾ ਹੋ ਸਿਰਦਰਦ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕਸ ओके ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा रूल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ऐसे करता है कि वो नो और डोंट उसे नहीं पता अगर आप कहते हैं कि मेरा सर नहीं दुखे तो उसे नहीं पता चलता क्योंकि वो नेगेटिविटी को बिल्कुल नहीं लेता सो वो नहीं को माइनस कर देगा और आपको सरदर्द दे देगा सो हमेशा कई बार मुझसे भी ये गलती हो जाती है कि मैं कोई चीज़ मांगने में डोंट बोल देती हूँ कि ऐसा ना हो मेरे साथ ऐसा ना हो नहीं बोले क्या हो वो चीज़ बोले कि यू नो घुमा के चीज़ को बोले ताकि नो और नेगेटिविटी उसमें बिल्कुल नहीं आए ओके दोस्तों सो ये सिंपल सा फंडा है कि जब भी आपको कुछ अट्रैक्ट करना है उसमें नो नेगेटिव डोंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्योंकि नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है यूनिवर्स में सो अपनी चीज़ को ट्रिकी तरीके से मांगे कि क्या चाहिए आपको अगर आपको शांति चाहिए ऐसे मत सोचे कि हाय मेरे घर में अशांति ना हो ऐसे बोलें कि घर में शांति रहे जैसे अब है वैसे ही कंटिन्यू रहे और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरा घर पीसफुल है इस तरीके से ट्रिकी तरीके से मांगे और डाउट नहीं आने दें 100% श्योर रहें कि आपके साथ तो गलत हो ही नहीं सकता सो वो सक्सेस होता है अगर डाउट आ गया फिर खत्म हाँ जी तो ही की कहना चाहोगे लाला जी सरदार जी प्यारी है तो मेरा सरदार है मेरे घर का सरदार है सरदार हुंदा है नेता ओ हुंदा बॉस है अपने कबीले का सरदार हाँ तो साडा कबीला है मेरे घर सरदार नहीं तू थैंक्स
और कुछ ऐड करना चाहोगे? जैसे साल शुरू होता है तो मैं हमेशा विजन बोर्ड बनाती हूँ, और विजन बोर्ड बनाने में क्या है कि जो भी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में उनकी पिक्चर्स वैसा वैसा लगा लें, क्योंकि जितना आप प्रिसाइज होंगे वैसे ही चीज़ें आपको अचीव होती जाएंगी। मेरे 2018 में मैंने ऐसे बीच की पिक्चर लगा दी थी कि मैं वैसे किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहती हूँ, और हमें पता भी नहीं था कि हम वैसे ही डेस्टिनेशन पर ही बिल्कुल सिमिलर प्लेस पर हम लोग मैक्सिको में चले गए थे, और मैंने वहाँ पर पिक्चर क्लिक की और मुझे लगा कि यार ये पिक्चर मैंने पहले कहाँ पर देखी है। तो विजन बोर्ड इतनी परफेक्शन के साथ काम करता है, सो आप पिक्चर्स लगा सकते हैं अपने आप को इमेजिन करके कि आपको क्या चाहिए, और मेक श्योर करें कि एक बार उसको ज़रूर देख लें। वैसे तो उससे मैंने हमेशा मेरे ब्यूटी रूम में रखती थी, पर आजकल उसको मैंने मेरे वॉशरूम में रख लिया है ताकि आंधे जानदे मेरा ध्यान उस पर पड़े, क्योंकि फिर यू नो फोकस हटना नहीं चाहिए आपका अपने गोल से। यही इन्फॉर्मेशन है, यही मेरा ज्ञान है दोस्तों, जिन्ना अद्धा अधूरा मुझे पता है। चलो दोस्तों, पति की फालतू आलतू गल्ला जिन्हें जो कोई रस नहीं निकलन है उसको छोड़ते हैं, और आज के व्लॉग से यहीं पे हम डन करते हैं। आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और क्या करेंगे, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें। आने वाले कुछ दिनों में मैं गिव अवे करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे, सो जल्दी से फॉलो कर लें ताकि आपको अपडेट मिल जाए कब वो गिव अवे आएगा। सो हम गिव अवे करेंगे मेकअप का अच्छा पूरा पैक, और आप उसको नहीं मिस करना चाहते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सो या दैट्स इट, एक आईफोन भी मेरे वालों गिव अवे, मेनू ला दो आईफोन। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। मैं मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, टेक एक्शन, टेक एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट हस्बैंड, यू हैव टू टेक एक्शन। ओके दोस्तों, मेरे पति तो वेले हैं, आपको तो काम है, कुछ कर लीजिए। ओके बाय।